1,500 जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री, नव दंपतियों को दिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आदि आबादी को नकार कर कोई भी समाज सशक्त नहीं हो सकता है। आदि आबादी के सशक्तिकरण के बिना विकास की अवधारणा असंभव है। समाज को सशक्त करने के लिए महिलाओं के प्रति अत्याचार को रोकना होगा, सशक्तिकरण के कदम उठाने होंगे। इसे समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार नारी गरिमा की रक्षा व सशक्तिकरण के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। सीएम योगी आज चंपा देवी पार्क मैदान में 1,500 जोड़ों के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दहेज की सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ सामूहिक विवाह योजना एक सकारात्मक अभियान है। दहेज एक सामाजिक कुरीति है और दहेज मुक्त विवाह के अभियान में पूरे समाज को खड़ा होना चाहिए। समाज कल्याण विभाग की तरफ से आयोजित इस समारोह में 1,500 जोड़े विवाह के पावन बंधन में बंधे नव युगलों में हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल रहे। सभी नव दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए मुख्यमंत्री ने उनके सुखमय जीवन की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने मंच से 2 अल्पसंख्यक जोड़ों समेत 10 नव युगलों को प्रमाण पत्र और उपहार शगुन किट भेंट भी की। प्रमाण पत्र देने के दौरान मुख्यमंत्री ने जोड़ों से आत्मीय संवाद भी किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सांसद रवि किशन शुक्ल, कमलेश पासवान, महापौर डॉक्टर मंगलेश्वर श्रीवास्तव, अध्यक्ष राजेश गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।